हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आई एम थेरेज राजप्रीत एंड आई वॉर्मली वेलकम यू ऑल टू आर न्यू सीरीज पॉलिटी थ्रू एम सी दिस सीरीज विल स्पेशली फोकस ऑन 2023 यूपीएससी थ्री द कमिंग 2023 यूपीएससी थ्री हम उस पे हमारा फोकस रखेंगे और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो आपके प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले अगर आप इस साल टे दे रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड बिफोर स्टार्टिंग आर वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक सो प्रिंस सिविल सर्विसेज इज कंडक्टिंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन सिक्सटींथ अप्रैल ट्वेंटी सो ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर इन ट्वेल्थ Who have given the 12th board examination and wants to prepare for civil services in future, should give this examination. तो आप आज ही register करें अगर आप किसी को जानते हैं ऐसे जो ट्वेल्थ pass कर चुके हैं और जिनको आगे civil services की तैयारी करनी है तो उन्हें आप जरूर बताएँ और ये लिंक आप एक screenshot ले सकते हैं इस लिंक पे जाके आप आज ही रजिस्टर करें इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन एंड ये एग्जामिनेशन के थ्रू आपको बहुत सारे प्राइजेस एंड रिवार्ड भी मिलेंगे एंड आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये एग्जामिनेशन देना चाहिए चलिए आज स्टार्ट अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो तो शुरुआत में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभी 2022 के प्रस में जो क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी ने जो पूछे हैं उस पर हम फोकस करेंगे देखेंगे इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस पैटर्न पर सवाल पूछता है क्या उसके ट्रेंड क्या है तो देखिए ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो गया है जो पहले सवाल आते थे उस पर फोकस हुआ करता था फैक्चुअल नॉलेज पे सो इट वॉज इनाफ दैट यू रीड लक्ष्मीकांत एंड यू वेर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ दी एम सी क्यूज आस्ट इन पिलम्स बट नाव इट इज दे आर कनेक्टिंग योर फैक्चुअल नॉलेज विद द करंट अफेयर्स तो करंट से काफ़ी हद तक ये रिलेट करके चल रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स uh, करंट के साथ होते अपडेट होते रहते हैं करंट यानी न्यूज़पेपर मैगजींस इसके थ्रू अपडेट होते रहते हैं तो उनके लिए ये सवाल इतने टफ नहीं होंगे वरना ये थोड़े बहुत टफ हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन सो वी हैव टू कंसिडर करेक्ट देखिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दू मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स देता रहूंगा तो यहाँ पे जैसे एक टिप यही है दैट सबसे पहले देखें कि सवाल पूछ क्या रहा है वट इज द क्वेश्चन अबाउट इज इट आस्किंग द करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है सो so,

The Contempt of Court Act 1971 was passed. It's our first statement. Now, let's see the second. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. Third, the Constitution of India defines the Constitution defines civil contempt and criminal contempt. And the last is India. इंडिया द पार्लियमेंट इज वेस्टेड विद दावर्स टू मेक लॉस ऑन कंटेम ऑफ कोर्ट तो अगर हम एलिमिनेशन वाइज जाए तो देखिए आप अगर फैक्चुअल नॉलेज से जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा पॉलिटिकली वो जानते होंगे इसमें से कुछ एक सवाल वो कर सकते हैं जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट आई गेस इट इज इजी फॉर एवरी वन इफ यू हैक्ष्मीकांत एंड इवन ये स्टेटमेंट इसी से कनेक्टेड है देखो यहाँ लिखा है इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉस ऑन कंटेम ऑफ कोर्ट और इसी की जगह यहाँ पे लिखा है दैट ऑफ कोर्ट एक्ट एक्ट 1971 इफ यू आर अवेयर के हाँ, ऐसा कोई act है तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ये पार्लियामेंट इज एमपावर्ड टू मेक लॉस तो ये दोनों कनेक्ट connect, कनेक्टेड है इस तरह के लॉजिक्स निकालना बहुत जरूरी है ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे फॉर एग्जाम्पल वन एंड फोर इज कनेक्टेड सो आई गेस वन एंड फोर का हमें एक ही मिल रहा है प्रोबेबल बी

फिर भी हम इसी के साथ हैं तो वी हैव टू सी दैट द फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट वी जनरल एच एन सानियाल चेयरमैन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ अ कमिटी वह वुड लुक इन टू और एग्जामिन द्लीकेशन ऑफ कंटेम लॉज इन इंडिया ना कंटेम्प्ट होता क्या है ये भी समझ लीजिए कंटेम्प्ट होता है जहाँ पे कोर्ट को लगे कि उसकी मर्यादा किसी ने उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया है समवन हैज ब्रीच्ड इट्स प्रिविलेजिस देन इन दैट केस द कोर्ट कैन पनिश दैट पर्सन उसे दंड दिया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के um, अंदर ओके सो इट वाज इन 1961 ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी इनकी जो कमेटी थी कमेटी ऑन कंटेम्प्ट लॉज इन इंडिया So, इनकी रिपोर्ट पे पार्लियामेंट ने सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्टेंट ऑफ कोर्ट इज नॉट बीन डिफाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन भी नहीं करता कि है क्या कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट वो एक्चुअली ये एक्ट उसे डिफाइन करता है तो हमारा ये वाला पार्ट भी court, ये गलत यस सेकेंड वन

215 फिफ्टीन हाई कोर्ट के पास है एंड 129 आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है इसके अंदर उनको ये पावर दिया गया है तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट सो वन टू एंड फोर आर आंसर इज बी ओके लेट्स फोकस ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नाउ सी यहां पे एलिमिनेशन होना

अब ये क्वेश्चन काफी हमें अलग लग रहा है बिकॉज ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक्ड है एंड आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे देखिए आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पे बट इफ यू वॉन्ट हंड्रेड परसेंट एक्सेलेंस तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स और थोड़ी सी इनडेप्थ नॉलेज चाहिए होगी ना यहाँ पे वैसे तो एक सिंपल क्वेश्चन है ना इफ वी फोकस देन यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं अगर आप करंट अफेयर्स और काफी अगर न्यूज़पेपर्स uh, पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कॉपोरेट लॉयर्स दीज आर नॉट रिकोगनाइज एज एडवोकेट्स बिकॉज वंस दे गो इन टू अपरेट सेटिंग यानी किसी कॉरपोरेशन में जाके और वो एज अ कॉपरेट लॉयर बन गए उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज अ लॉयर और उसका लीगल डिपार्टमेंट देख रहे हैं तो वो अब कॉरपोरेशन का पार्ट हो गए तो वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे उस टाइम पे दे विल हैव टू गिव अप है सनद

but the other part, corporate lawyers are not considered as advocates. so the first statement is wrong. second statement is correct. we have to find the correct statement, b, to only. let's move on to the next question. so here also we have been given three choices and we have to find the correct statement. yapa elimination method, use method. let's see first one. a bill amending the constitution requires a prior recommendation of president of india. अमेंडिंग so, सबसे पहले अमेंडिंग आती है हमारे दिमाग में आर्टिकल 368 आना चाहिए सो यस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ऐसे प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की नहीं ऐसे कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट की <coughs> अगर ये बहुत ही सिंपल सा था तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं इफ वी एलिमिनेट आर आंसर इज टू कितना सिंपल हो गया अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है आप श्योर हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है थोड़ा आई जनरली फील कि इनको थोड़ी सी क्लियरिटी यहां पे लेके आनी चाहिए थी देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज एसेंट ये ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी वन इसके थ्रू प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पे ये ऑब्लिगेशन लगा दिया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उनके सामने आएगा तो उन्हें साइन करना ही होगा ही हैज गिव दी कैन नॉट एक्चुअली यूज हिज वीटो पावर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट वीटो पावर यूज नहीं कर सकते सो यस ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे इस हिसाब से द स्टेटमेंट इज करेक्ट नॉट द सेकंड स्टेटमेंट ये थोड़ा सा ट्रिकी है लोकसभा, राज्यसभा बाय अ स्पेशर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती अगर समझ समझ लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कंसेंस नहीं आ, बैठ पाता और वो एग्री नहीं करते किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे तो उस केस में इस केस में एक डेडलॉक आ गया जॉइंट ज्वाइंट का कोई कन, आ, कोई कन्वेंशन यहाँ पे नहीं है सो यस दिस इज करेक्ट बट ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ये स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 में तो मैंशनड है बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तीन तरह से अमेंड हो सकता है दो तरीके आर्टिकल 368 में मैंशनड है और एक तरीका जो है एक टाइप जो है वो मैंशन नहीं है द सिंपल मेजोरिटी तो ये सिंपल मेजोरिटी वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर नहीं किया इन्होंने बट इनको यहाँ पे या तो लिखना चाहिए था कि आर्टिकल 368 के कंसिड्रेशन में है बट स्टिल हम क्योंकि यूपीएससी देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू गो विध अ बेटर आंसर और विच इज द मोर करेक्ट आंसर सो यहाँ पे हम थर्ड को इंक्लूड करेंगे इन जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है स्पेशल मेजोरिटी वाला वरना बाकी सब सही है सो विल गो विद दिस आंसर इज टू एंड थ्री द करेक्ट स्टेटमेंट्स Now, let's come to the final question of, the, of this session. Now, let's see. There are two statements. So, we cannot go with the elimination method. What we have to find? We have to find the correct statement. Let's see the first statement. The Constitution of India classifies the ministers into four ranks cabinet ministers, minister of state with independent charge, minister of state, and deputy ministers. Actually, the Constitution is not a classification. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मैंशन करता है आर्टिकल सेवेंटी फोर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है उसको फर्दर वो एक्सप्लेन भी नहीं करता ना ही उसकी कोई डेफिनेशन दे रखी है ये जो हम हमने जो स्टैंडर्ड लिया है यानी कि ये जो डेजिग्नेशन हमने लिए हैं लाइक कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर्स दीज है वी हैव एक्चुअली बीन इंस्पायर्ड बाई इंग्लैंड तो इंग्लैंड में जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पे इस तरह के डिजिग्नेशन ये इस तरह की टर्मोलॉजी यूज होती है तो ऐसे ही हमने वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एज सच इसको कोई रिकग्नेशन नहीं दी है इट जस्ट टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सो वी हैव टू सी द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शल नॉट एक्सीड फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इन द लोकसभा नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सी आई हैव पुट अ बॉक्सेस हियर एक तो हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 15% किसका 15% लोकसभा का यहाँ पे ट्रिक कर सकते थे ये क्योंकि एक्चुअली ये सही है एंड इट हैज बीन इट हैज बीन डन बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 इसके थ्रू क्या किया हमने अमेंडमेंट करके और जो हमारी काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो साइज़ है उसे हमने लिमिट कर दिया तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने कि ये साइज़ 15 परसेंट से ज़्यादा ना हो बिकॉज कई बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट uh, कर देते हैं ज़्यादा ज़्यादा मिनिस्टर्स बना देते हैं तो बहुत बड़ी कैबिनेट होगी या बहुत बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा तो इसको लेके हमने पहले एक अमेंडमेंट कर दिया कि 15 परसेंट से इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये किसका होना चाहिए फिफ्टीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसका द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा ये यहां पर ट्रिक कर सकते थे अगर यहां पर ये लोकसभा की जगह पार्लियामेंट लिख लेते तो पार्लियामेंट एक गलत हो जाता

आई थिंक सिक्स क्वेश्चन आर रिमेनिंग सो नेक्स्ट सेशन में वो छह क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन विद दी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो हम तीन चार साल के ये क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विथ फ्रेश क्वेश्चन विच विल और विच आर मोस्ट प्रोबेबल इन दी कमिंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रस एग्जामिनेशन सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू आर